हाय फ्रेंड्स, तो आज हम चावल के आटा के पापड़ बनाने जा रहे हैं। तो उसके लिए क्या क्या सामग्री लगेगा चलिए हम बताते हैं आपको। तो उसके लिए सामग्री हमको लगेगा, 1 चम्मच हम नमक लिए हैं और 1 चम्मच हम जीरा लिए हैं, 1/2 चम्मच हम जमाइन लिए हैं और 1 चम्मच हम मंगरेला लिए हैं और 4 से 5 हम छोटे छोटे पीस में काट लिए इसको लाल मिर्च को, और चुटकी भर हम खाने वाला सोडा, मीठा सोडा लिए हैं, और ये ऑरेंज कलर लिए हैं फूड कलर खाने वाला। हम 2 कलर के बनाएंगे तो इसलिए एक वाइट बनाएंगे एक ऑरेंज कलर के, इसलिए हम दो कलर, एक कलर के लिए हैं एक वाइट बनाएंगे। तो चलिए हम बनाने के लिए कटोरा लेंगे, उसमें हम ये चावल के आटा सारा डाल देंगे। उसके बाद ये जो भी सामग्री है सारा हम निकाल के रखे हैं वो भी डाल देंगे। इसको मिला लेंगे अच्छी तरह से। अब इसमें हम पानी देंगे, थोड़ा थोड़ा करके हम पानी ऐड करेंगे, ज़्यादा एक बार डालेंगे तो गुठलिया बन जाएगा, तो हम थोड़ा थोड़ा करके इसमें पानी ऐड करेंगे। तो देखिए फ्रेंड्स, मेरा घोल बनकर रेडी हो गया, परफेक्ट घोल बना है, ना गाढ़ा ना पतला है ज़्यादा, और एक में वाइट का बनाएंगे एक में ऑरेंज का बनाएंगे। देखिए इसका भी घोल परफेक्ट है। तो चलिए इसमें ऑरेंज कलर मिलाते हैं हम। तो मेरा घोल दोनों रेडी हो गया है। तो पहले हम वाइट वाला को बनाएंगे, तो इसको हम स्टीम करेंगे। तो चलिए हम कैसे करते हैं स्टीम। एक गैस पर हम कढ़ाई गर्म करने के लिए दे दिए हैं, उसमें हम 1 गिलास ला हम पानी डालेंगे। उसके बाद हम स्टैंड हम डालेंगे इसमें। आपके पास स्टैंड नहीं हो तो गैस स्टोव का जो स्टैंड होता है वो हम डालेंगे। उसके बाद ये घोल हम तैयार किए हैं वो डालेंगे उसके ऊपर, इसके ऊपर। अब इसको हम 15 से 20 मिनट के लिए कवर कर देंगे धीमी आंच पे, और ये स्टीम होते रहेगा और ये सीज जाएगा। स्टीम करने का मतलब ये हुआ कि हमें अच्छी तरह से इसे पकाना, अगर पक जाएगा तो क्या होगा कि मेरे पापड़ हैं जो फटेगा नहीं। तो चलिए फ्रेंड्स हम चेक करते हैं, 20 मिनट हो गया है, कैसा बना है। एक चम्मच लेंगे काटा का, उससे हम चेक करेंगे। ये हो गया है, देखिए परफेक्ट हुआ है। अब इसको हम निकाल देते हैं। और इसमें हम कलर वाला डाल देंगे, इसी भी 15 से 20 मिनट होने देंगे हम, इसको भी ढक देंगे। तो देखिए फ्रेंड्स ये मेरा बनकर रेडी हो गया है। अब इसे एक थाली में निकाल देते हैं। देखिए फ्रेंड्स मेरा परफेक्ट हुआ है, और ये अच्छी तरह से सीज गई है। अभी थोड़ा गर्म है, ठंडा होने देते हैं। तो देखिए फ्रेंड्स मेरा ठंडा हो गया है। अब हाथ में थोड़ा सा तेल लगा लेते हैं, इसको चारों पट्टी हम इस तरह से करेंगे। देखिए
परफेक्ट हुआ है। इसका हम छोटा छोटा लोई बना लेते हैं। ठीक, आपको जितना को रखना पसंद है आप उतना को रख सकते हैं लोई अपना अनुसार। देखिए फ्रेंड्स, हम सारा लोई बना लिए हैं। अब इसको हम पापड़ के रूप में करते हैं। चलिए इसको हम पापड़ बनाते हैं। इसको साइड करते हैं हम, और हम पनीर लिए हैं प्लास्टिक, इस तरह से तो आपको घर में मिल जाएगा, तो हम इसको लिए हैं। इस पर हम तेल थोड़ा लगाएंगे इस तरह से, और एक लोई लेंगे इस पर भी हम तेल लगाएंगे, और ये दूसरा पनीर है उस पर भी हम तेल लगाएंगे। और इसको इसके ऊपर रख देंगे ऐसे, ठीक है। और एक प्लेट लेंगे, उससे हम ऐसे प्रेस करेंगे। देखिए कितना आसानी से हो जाता है, देखिए। एक हटाएंगे पनीर को हम अच्छी तरह से, देखिए कितना आसानी से हो गया है। इसे हम साइड कर लेंगे। इसी तरह से हम दूसरा भी करेंगे। देखिए फ्रेंड्स, हम इतना बना लिए, धूप में दे देते हैं हम इसको। देखिए फ्रेंड्स, इसको भी हम धूप में डाल देते हैं, और 3 से 4 दिन लगेगा सूखने में, तो उसके बाद मिलते हैं हम आपसे 3 से 4 दिन के बाद। तो देखिए फ्रेंड्स, मेरा 3 से 4 दिन इसको हम सुखाए हैं, चावल के आटा के पापड़ हम बनाए थे जो, और बहुत अच्छा तरह से सूख गया है। और आप बस इतना ध्यान रखिएगा, जब चावल के आटा पका रहे हो तो बहुत अच्छी तरह से पकाए, ना तो आपका पापड़ फट जाएगा, ठीक। तो आप जब अच्छी तरह से पकाएंगे ना, तो चिकना चिकना इसी तरह से पापड़ बनेगा, और इसका टेस्ट बहुत अच्छा लगेगा खाने में। तो आप इसी तरह से बना, और देखिए हमने ऑरेंज कलर के बनाए थे और वाइट कलर के, दोनों कलर के बहुत अच्छे लग रहे हैं, बहुत अच्छे पापड़ हुए हैं। तो आप भी इस तरह से ज़रूर बनाएं। तो मेरे वीडियो अच्छा लगा होगा तो लाइक कर दीजिएगा, और मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा। तो फिर मिलते हैं एक नए वीडियो के साथ, तब तक के लिए।